बढ़ते हैं, और जहां बाजार पर ऑटो बिक्री के आंकड़े एक बड़ा ट्रिगर आज के लिए था, ऑटो बिक्री के नंबर्स आ गए हैं। चुनिंदा कंपनियों के नंबर्स अब भी आने बाकी हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी नंबर्स आए हैं, नंबर्स कैसे रहे, ऑटो बिक्री की रफ्तार फरवरी में कैसी रही, ये रिव्यू लेकर सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनसे समझते हैं ऑटो बिक्री के डेटा कैसे, उसके बाद एक एक्सपर्ट से जानेंगे ऑटो सेक्टर पर उनका नजरिया। सृष्टि, आप बताएं फरवरी ऑटो बिक्री कैसी रही? इस बार अगर हम देखें तो सबसे चमकता हुआ जो सेगमेंट नज़र आया है वो कमर्शियल व्हीकल स्पेस है, जहाँ पे अभी तक जो कंपनीज ने अपने नंबर घोषित किए हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स और साथ ही अशोक लेलैंड, दोनों के ही नंबर्स जो हैं उम्मीद से बेहतर आते हुए दिखे हैं। अगर सबसे पहले टाटा मोटर्स की बात करें तो 36,565 यूनिट्स कंपनी ने दर्ज किए हैं, जो कि महीने दर महीने, जहाँ हम सिंगल डिजिट डिक्लाइन यानी गिरावट की उम्मीद कर रहे थे 12% महीने दर महीने, वहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। वहीं अशोक लेलैंड की बिक्री में भी 8% का महीने दर महीने हमने उछाल आते हुए देखा है। तो क्लियरली अभी तक जो सेगमेंट शाइन करता हुआ नजर आ रहा है वो है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। उसके बाद पैसेंजर व्हीकल नंबर्स पे अगर हम नजर डालें तो यहाँ पे मारुति सुजुकी के नंबर्स उम्मीद से थोड़े बेहतर जरूर हैं, पर कंपनी का कहना है कि अभी भी जो है सेमी कंडक्टर के चलते उनका कुछ उत्पादन पूरी तरीके से नहीं हो पाया। वहीं M&M और टाटा मोटर्स के नंबर उम्मीद से थोड़े से कम जरूर आए हैं, जहाँ पे 9 से 11% के महीने दर महीने हमने गिरावट देखी है, पर कंपनीज का यही हाईलाइट करना है कि जो डिमांड मोमेंटम है वो अभी भी स्ट्रांग है। अगर M&M की बात करें तो उनके SUV सेगमेंट में 10% की ग्रोथ दर्ज रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा टू व्हीलर स्पेस में बजाज ऑटो के नंबर्स जो कि सबसे पहले आए थे उम्मीद के मुताबिक आते हुए दिखे हैं। वही ट्रैक्टर बिक्री, जहां हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में, क्या पता एलनीनो की वजह से, जो सेंटिमेंट है वो बिगड़ता हुआ नजर आया है, पर ट्रैक्टर्स कंपनीज जो है एकदम विपरीत जाते हुए बोल रही हैं कि एग्री का सेंटिमेंट अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है और नंबर्स भी दोनों कंपनीज के उम्मीद से बेहतर आए हैं। एस्कॉट्स के नंबर्स में करीब 17% के महीने दर महीने हमने बढ़त देखी है, और साथ ही M&M के नंबर्स भी उम्मीद से बेहतर आते हुए 25,791 यूनिट्स पे आई है। सृष्टि, बहुत शुक्रिया आपका ऑटो बिक्री के आंकड़ों का रिव्यू हमारे साथ पेश करने के लिए। तो क्लियरली अनुमान अच्छे आंकड़ों का था, ऑटो सेल्स के फिगर्स आए और ये फिगर्स जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव रहे, और इन सेल्स फिगर में हीरो है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। हमारे साथ रिलायंस सिक्योरिटीज़ के मितुल शाह जुड़ गए हैं ऑटो सेक्टर के इस डेटा पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। मितुल, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ETNOW स्वदेश पर। ग्रोथ मोमेंटम तो जारी रहेगी कार्स, ट्रक्स और बसेस में, ये ऑटो बिक्री के आंकड़े बिल्कुल जता रहे हैं, लेकिन इन पॉजिटिव डेटा पॉइंट्स को देखते हुए स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कहां पर दिखेंगे, कौन से स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए, ये बताएं आप। गुड आफ्टरनून, जैसे आपने बताया पूरे ही ऑटोमोबाइल के डिफरेंट सेगमेंट्स में कमर्शियल व्हीकल एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है। डिस्पाइट ओवरऑल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, इकोनॉमी इंप्रूवमेंट दिखा रही है, बट ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन में थोड़ा सा स्लो डाउन दिख ही रहा है जो टू व्हीलर के आंकड़ों में दिखाई दे रहा है, बट कमर्शियल व्हीकल अलग ही दिशा में। विदिन कॉमर्शियल व्हीकल ट्रक सेगमेंट और बस दोनों ही सेगमेंट बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जैसे कि अशोक लेलैंड की बात करें, 30% प्लस ग्रोथ आया है ट्रक्स में। सिमिलरली बस सेगमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली लो बेस, जहां पे 2.5x टाइप का ग्रोथ आया है, यानी कि 250% जंप इन वॉल्यूम्स। सो विद इन एंटायर स्पेस अशोक लेलैंड सीम्स टू बी मोर प्रोमिसिंग। कमर्शियल व्हीकल में टाटा मोटर्स लीडर है, बट टाटा मोटर की ज्यादातर वैल्यूएशन JLR के वजह से डिसाइड होती है, तो प्योर कमर्शियल वे प्ले करने के लिए विद इन OEM अशोक लेलैंड एक बेहतरीन स्टॉक है। एंसिलरी साइड में स्टॉक्स जैसे कि भारत फोर्ज भी कमर्शियल व्हीकल प्ले करने के लिए बढ़िया स्टॉक है। ओके मितुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपना व्यू देने के लिए। मितुल शाह स्पेस को बहुत क्लोजली देखते हैं और हमसे बात कर रहे थे ऑटो सेल्स और ऑटो स्टॉक्स के बारे में, लेकिन